अस्सलामुअलैकुम बच्चों, पांचवी जमात बाल भारती किताब से आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका उन्वान है तीन कचरे। इसके मुसन्निफ है अथर परवेज। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानियाँ ज़्यादातर सुनी सुनाई होती हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। इनमें बताई हुई अकलमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती है। ऐसी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। इस कहानी में उर्दू के मौरिफ अदीब अतहर परवेज ने बड़ी दिलचस्प अंदाज में ये बताया है कि एक दूसरे पर एतबार ना करने से कैसी मज़ाहे का खेज सूरत पैदा हो जाती है। तो आइए हम लोग अब कहानी की तरफ चलते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, तीन कचरे पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए जहाँ समुंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन और सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। इनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए रेंग कर भी तो चलते हैं। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार इनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए जो बर्फ से ढके हुए थे। इनको यहाँ पहुँचते पहुँचते बीसों साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो इन्हें मंजिल दिखाई दी तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक छोटी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रही थी, सर्दी का जमाना था, लेकिन कचरे का खोल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे पौलाद। इस पर सर्दी का क्या असर होता। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते। इन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। इन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समुद्रों में घूमता फिरता है। इनको बहुत जोर की भूख लगी, वो खाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए, बड़े सलीके से इन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब इन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। इनकी आदत समुंदर का पानी पीने की थी, इसी से इनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। इनकी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त और चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की मगर दोनों इसके पीछे पड़ गए और इसकी एक न चली। मजबूर होकर छोटे कछुए को इनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं तो चला जाऊँ मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे।
छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और इससे को पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ ना लगाएंगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, यहाँ तक कि 50 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को ना आना था ना आया। अब तो इन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई ना कोई वजह न थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आता। उन्होंने सोचा अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर इसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डाला ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे, इसीलिए तो मैं पानी लाने गया ही नहीं, यहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। दोनों कछुए भुचक्का रह गए। कहते तो क्या कहते। अब बेटा आपको समझ में आई ये कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.